hard to breathe, but that's alright. वाला कोई
फीलिंग्स रखता है और मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया है कि मुझे उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे बीच वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने उसे हाँ भी बोल दिया है जाने के लिए। अब मना करूँगी तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? ओके, तो तू जा और तुझे जो सही लगता है तू वो कर, बट मेरे हिसाब से तुझे उसके साथ डेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तू जिसको पसंद करती है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो जब दोनों को पता चलेगा तब थोड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाएगा और ये सही नहीं है। देख देख, तू मुझे कंफ्यूज मत कर, वैसे भी मैं जिसको पसंद करती हूँ वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है और मुझसे बात भी नहीं करता है, तो मैं उसके लिए जिंदगी भर थोड़ी ना सिंगल रह सकती हूँ, मुझे भी किसी को डेट करना चाहिए ना। ओके, तुझे जो सही लगता है तुम वो कर, और मुझे मम्मी बुला रही है, मैं चलती हूँ, बाय। मुझे अकेले छोड़ के क्यों जा रही है, थोड़ी देर रुक जाना। अरे मम्मी बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा, बाय बाय। ओके बाय। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम। यूंशन, तू आज इतना खुश क्यों है? वो जिमिना ना डेट के लिए मान गई। क्या सच में? हाँ सच में। अरे वो तेरा जो ब्रांडेड वाला टी शर्ट था ना, प्लीज वो ड्रेस मुझे दे देना। तू अपना ड्रेस पहन के जाना, प्लीज दे देना ब्रो, प्लीज। अरे तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहा है? नहीं तो तू जिसके साथ भी डेट पे जा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कब कहा कि मैं डेट पे जा रहा हूँ इसलिए तेरी शक्ल पे 12 बज रहा है? हाँ हाँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर और तुझे जो चाहिए तो ले जा खुद ही। हसुद बुद खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से नैना जब उससे मिले। हाय, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा वेट करवा दिया? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ और तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो जिमिना। थैंक यू। तो डेट पे चले? हाँ चलो। क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मुझे
लगता है इसलिए। क्या वो कॉल किया? कोई बातें हुई तुम्हारे बीच? नहीं, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वो ऐसे गायब हो गया है जैसे वो कभी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पता नहीं वो कहाँ गया। ते एक बात मानेगी मेरी, तू ना उसके बारे में सोचना बंद कर दे और मूव ऑन कर ले। बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। छोड़ो, तू नहीं समझ सकती। हाँ, बट वो था ही घटिया लड़का, उसकी याद में तू खुद को क्यों तकलीफ दे रही है? ये तो सही नहीं है ना। छोड़ ना उसे। तू बता, तेरा क्या हाल है और तेरा डेट कैसा गया? क्या क्या किया उसमें? अरे हाँ, मैं तो तुझे एक बात बताना भूल ही गई थी जिसके लिए मैं तुझे कॉल की थी। क्या हुआ है? तूने उसे डेट करना शुरू कर दिया क्या? तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? अरे नहीं नहीं, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इतना भी ओवरथिंक मत कर। तुझे पता है सुगाना मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। क्या? तेरे क्रश ने तुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसकी तरफ से पूछा? क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ बाबा हाँ, तू सही सुन रही है। मुझे तो ये सुन के 340 वोल्ट का झटका लगा था, पर सच में ये हुआ है। ये कैसे हुआ? और तू तो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट पे गई थी ना, तो तेरा क्रश तुझे कैसे प्रपोज कर दिया? फिर जिमिना तेरे को सब कुछ बताती है, तो तू क्या सोच रही है? हाँ बोल देगी? हाँ ऑफकोर्स, मेरा क्रश मुझे प्रपोज किया है तो मैं हाँ ही बोलूंगी ना। ओके गुड, कंग्रेचुलेशन। और जब भी तू प्रपोज करेगी या हाँ बोलेगी, तब के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए बूमगियू, मेरे साथ घूमने चलेगी? क्यों, आज तुझे डांस प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? और वैसे भी तू पढ़ाई में बहुत पीछे है, तो थोड़ा पढ़ाई भी कर ले। यार आज मैं फ्री हूँ और मुझे आज पढ़ाई करने का मन नहीं है। मैं फिर कभी पढ़ाई कर लूंगा ना, प्लीज चलना आज मेरे साथ। यार एग्जाम्स आ रही है, तुझे कोई टेंशन है या नहीं? और मुझे भी पढ़ाई करनी है। ये डांस और सिंगिंग के चक्कर में ना मैं भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो सजेस्ट मैं तुझे ये करूँगी कि तू मेरे साथ चल और हम बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। यार ये करना बहुत बोरिंग है। ओके पक्का, मैं कल तेरे साथ जाके पढ़ाई करूँगी, बट प्लीज आज तू चलना मेरे साथ घूमने। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके रुक, मैं सुगा और जिमला को कॉल कर देती हूँ, वो लोग भी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, उन्हें क्यों कॉल कर रही है? सुगा आज थोड़ा डांस और सिंगिंग में बिजी है और जिमिना को आज पढ़ाई करना है। मैंने उनसे पहले से ही पूछ लिया था, तो तू उन्हें कल मत कर। ओके तो हम दोनों चलते हैं। मेरी हर मनमानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सुने। आज का दिन तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो क्या तू मुझे सच में प्यार करती है? गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी? क्या मतलब? मैं वो बाय, बाद में मिलते हैं। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, हमारी कुछ आर्मी फ्रेंड की बर्थडे है, सो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे सारंगी, टेक केयर, लव यू, एंजॉय योर एवरीडे, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। कमेंट में बताना और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो सब आपके लिए।